तो क्या हुआ आपके साथ आज? है खनन माफिया के खिलाफ? अच्छा, आपने फेसबुक लाइक किया था? कौन सा गाँव था? गौरव थाना मड़ियाओं के अंतर्गत। तो फिर क्या हुआ, खबर आपने लगाई थी कौन से अखबार में? दैनिक भास्कर अखबार में भी काम करते हैं आप? अच्छा, उसमें खबर लगी थी आपकी? वो टीवी में भी? ठीक है ठीक है ठीक है। फिर क्या हुआ आज आपके साथ? कौन सी चौकी पर? अजीत नगर चौकी पर। फिर क्या हुआ आपके साथ? अच्छा 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 ठीक है। जैसे मोड़ पर मुड़े मतलब योगी सरकार में खनन माफिया की गुंडे इतनी बढ़ गई है कि पत्रकारों पर हमला करने लगे हैं। चौकी पर धमकी दी गई है? बहुत सही है। वहाँ पर पुलिस कर्मचारी मौजूद थे उस समय? सिपाही था, चौकी था नहीं, तो उन्होंने बताया अभी गई। अच्छा, सिपाही ने भी बताया ये बात? तो सिपाही ने कहा कि बहुत हरानी आ गई। अच्छा अच्छा, उनका नाम बता सकते हैं खनन माफिया का? तानसेन। योगी राज में गुंडे चल रहे खुलेआम लखनऊ में खनन माफिया की? तानसेन यादव जी नाम है उनका, यानी गुंडे है, माफिया है, खनन माफिया। लखनऊ में योगी जी की राजधानी में खुलेआम चल रही है गुंडे। तो आप क्या चाहते हैं, मुकदमा की गिरफ्तारी? मैं मुकदमा हूँ, गिरफ्तारी ले लिया। अच्छा अच्छा, गिरफ्तारी चाहिए आपको? बिल्कुल, लाइव कर दिया था, फेसबुक लाइव कर दिया था। अच्छा, आपने जब गए थे वहाँ पर खनन के बाद आपने लाइव कर दिया था? फिर अब आप क्या चाहते हैं योगी सरकार से? और अच्छा, चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी मड़ियाओं के मिले हुए हैं? अच्छा, धमकी दे सकता है, मतलब अजीत नगर चौकी के अंदर आपको धमकी दी गई? आप कितने लोग थे, पत्रकार लोग थे? आप पांच पत्रकार थे, फिर भी आपको चौकी के अंदर धमकी दे दी गई? और कितना टाइम हो रहा था जिस समय धमकी दी गई है? अभी यानी कि आज दिनांक 18 है ना, आज दिनांक 18 को, आज 18 सितंबर 2018 को शाम को 7 बजे धमकी दी गई अजीत नगर चौकी में आपको, और पुलिस मतलब मूक दर्शक रही? थाने में एप्लीकेशन ले आए, अच्छा तो मतलब मड़ियाओं पुल के पास जहाँ की चाय की दुकान है, हाँ। वहाँ पे आपको पीछा किया गया? अच्छा, क्या अच्छा, गाली देते हो, आपको रोका गया, धमकी दी गई? अच्छा ठीक, इस मामले की जानकारी मैंने कल कहा उसी, ये भी कहा था कि मैं आप खबर लगाओ कुछ भी करो। अच्छा, मैं मैडम को मैनेज कर लूँगा। अच्छा, मतलब खनन माफिया ने कहा कि आप खबर लगाए कुछ भी करिए, मैं एसडीएम को मैनेज कर लूँगा, यानी योगी सरकार में मैनेज कर लेंगे गुंडाई से, माफिया गिरी से। इतने हौसले बुलंद है लखनऊ के अंदर खनन माफियाओं के? तो कौन से गाँव का मामला आपने बताया था? बोरमऊ थाना मड़ियाओं के अंतर्गत, तहसील बीकेटी के अंदर, खनन माफिया जोरों से गुंडाई के साथ पत्रकारों को धमका रहे, जानलेवा हमला हुआ है। और जिसपे और जानलेवा हमला हुआ, कौन से चैनल में काम करते थे? सिटीजन वॉइस में। उसका नाम मालूम है आपको? कौशल नाम है सिटीजन वॉइस के पत्रकार थे, उनके ऊपर भी हमला हुआ। आप 4TV न्यूज चैनल पत्रकार है? चलिए ठीक है, ये हमारे साथ शिव कुमार जी थे, जिनके ऊपर आज बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई खनन माफिया के द्वारा। योगी सरकार की राजधानी में सुरक्षित नहीं है पत्रकार। अब देखना होगा पुलिस अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं इस घटनाक्रम के ऊपर।